खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से हमारे रिपोर्टर सुजावल अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि अफसरान के अवाम से करीबी रबते की वजह से जहां लोगों के मसाइल हल करने में आसान अंदाज में पेशरफत होती है वहीं पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए साइलीन अपने इलाकों के मसाइल से भी आगाह करते हैं। तमाम महकमे लोगों के मसाइल हल करने और दफातर में रेड टॉप अजम के लिए अपनी कोशिशों को मजीद बढ़ावा दें। अवामी खिदमत तमाम सरकारी इदारों के हवाली तरजीह होनी चाहिए और इस सिलसिला में कोई गफलत और लापरवाही किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। इन ख्याल का इजहार इन्होंने रेवेन्यू अवामी खिदमत के चहरी में आने वाले लोगों की दरख्वास्तों पर अहकाम जारी करते हुए किया। रेवेन्यू अवामी खिदमत के चहरी में असिस्टेंट कमिश्नर मलक राशिद अहमद खोकर तहसीलदार उकाड़ा समेत रेवेन्यू अफसरान भी मौजूद थे।